बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाई, अल्लाह तुम खुश रखे, शादोबाद रखे। इसे पहले जो ना आज का ब्लॉग शुरू कर दी, शुरू करने पहले छोटी जी रिक्वेस्ट कर दी, आयशा फैमिली ब्लॉग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन सब्सक्राइब करो, जरा बैल आइकन का बटन जरूर प्रेस करो, साड़ी हर वीडियो नोटिफिकेशन मेरे बहन भाइयों तक बार वक्त पहुँचता रहे। आज की वीडियो कुछ इस तरह की है भी सुबह हो चुकी है, माशाल्लाह सब ने नाश्ता कर लिया वा, तो हूँ आयशा बेटी जूस कढ़न लगी है, तो मैं वो भी अपने भैन भाइयों को दिखाई हूँ, क्योंकि माल्टे बच गए थे, आयशा के बूथ सेल कर गया से कुछ बच गए तो कहते ना भी जूस इन्हों का बना लो, कढ़ लो गांह माह रमजान आ गया, माशाल्लाह अलहमदुलिल्लाह, असी भी इंशाल्लाह माशाल्लाह फिर रोज़े पूरे रखांगे, तो अगे भी माशाल्लाह पूरे रखी दे इंशाल्लाह पूरे रोज़े रखांगे, तो सब भैन भाइयों वास्ते दुआ करांगे। तो उस कहते कि माल्टे जो बचे आ इन्हों जूस बना के तो इन्हों रख लवो गांह तेरे रोजियां दे ना पानी के इस्तेमाल करने लिए भी ना ये काम आऊगा। जिन्हिया मेरिया बेटिया मैंने देख दया वा, जिन्हें मेरिया भैन मैंने देख दया वा, जिन्हें मेरे 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 बेटिया वर्गे मैंने देखते, मेरे भाइयों वर्गे मैंने देखते हैं, अल्लाह पाक सब न अपने समान च रखे, सब तंदुरुस्त देवे, सेहत देवे, आमीन सुमा आमीन। तो हम अच्छा बहुत नाश्ता करी जाते, तो फिर जो अगला सीन हो इंशाल्लाह अपने भैन भाइयों जूस शेयर कर दे। अच्छा बेटी चल रहा है जूस माल्टे का, क्योंकि अच्छा जूस माल्टे बच गए थे, सारा जूस कर लेंगे जी। आयशा दे अबू हुंदा नाश्ता करी जान डे, ये मरियम बेटी ने अपने ब्लॉग दे विच तैयार कीता सीगा, राती देसी मुर्गी बनाई सीगी। अस्सलाम वालेकुम। हां जी अपनी वीडियो विच तैयार कीती सीगी, ते भैन भरा नाश्ता करना दे आजो, पर ताजा कोनी अगर आदी रोटियां। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र, ताजा ये भी समझो ताजा ही आ। अरे भैन भाई असी रात की रोटी बची हुई से जाया नहीं जान देती है, असी वो खा लेनी होंगी माशाल्लाह, असी हम भाई इन बचिया सी सारी फैमिली ने यही खादी वा, शुक्र अल्लाह का, बहुत अल्लाह का शुक्र है। रोटी माशाल्लाह हूँ जे रात वाली कई जे तकड़े तकड़े लोग जड़े है ना वो भी रात वाली रोटी रख के तो सुबह जी खाते हैं, तो माशाल्लाह असी भी जो रात दियाँ बनिया हूँ फालतू बनिया हूँ बच जाने तो असी वो माशाल्लाह सुबह खा ले दी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है। ਤੇ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਅਗਲਾ ਸੀਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਰਿਜ਼ਕ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਰਿਜ਼ਕ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਿਰਦੇ ਆਂ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਰਿਜ਼ਕ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵੱਲ ਭੱਜ ਫਿਰਦੇ ਆਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਨਿਮਤ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਲੋਕ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅਗਲਾ ਸੀਨ ਹੋਇਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਮਸ਼ੀਨ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਲਾ ਲਈ ਆ, बिजली क्योंकि हजे खड़ी है तो यदा पता कोई नहीं कि टाइम फिर चल जाए, ये बहुत बिजली सन तंग करती है, क्योंकि सारा सारा दिन सुबह की गई हुई शाम किस टाइम आँगी साढ़े मोबाइल जो चार्ज भी मुक जाता वो आद। हाँ जी आ दो तीन दिन जेडे वीडियो नहीं भी चढ़िया हुई इस वास्ते नहीं चढ़िया है, क्योंकि मोबाइल के चार्ज ही है नहीं सके, ताइए वीडियो लेट हो गई तो चढ़िया नहीं, काफ़ी मेरिया धियां का भैन का फोन आया वीडियो क्यों नहीं आ रही हैगी, तो मोबाइल के चार्ज ही बिल्कुल है नहीं, तो फिर ताइ नहीं चढ़िया है अपलोड हुई है, तंग भी करता हूँ, खानी भी लैनी भी देर को, तो हूँ इंशाल्लाह कपड़े नाल धो के सारे वाश करके तो पा लें, मरियम बेटी लगी हुई नाल कपड़े धोन। अच्छा जी हम जा रहे हैं जो अब कम करा इंशाल्लाह से अपने भैन भाइयों के नाल शेयर करते जावे, कि साढ़े को हैगी सड़क इतने की बनी हुई, तो इधर इंसान ने सीधी सड़क निकल जाए तो कितनी मौज बन जाए है ना, ये देखो माशाल्लाह नहर चल रही है साढ़े को छोटी जी, और फुल गोभी के लगे हुए इन्ने सोहने, मेरा दिल करता किसी टाइम आके वीडियो बनाव, मैं इन्नी गोभी फ्रैश ताई ताई सोहनी गोभी लगी हुई है, हाँ जी हर चीज़ ही माशाल्लाह लगी है जी बेचारा, हाँ जी अच्छी आ रही है जी मेरे भैन भाई, और मैं अपनी अम्मी जी हूँ कोल तो अपनी माँ दे कोल दुआवां कराऊंगी अपने भैन भाइयों वास्ते सब वास्ते, तो इंशाल्लाह मेरे भैन भाई फसलों पानी, क्योंकि बंदर पानी की जरूरत बहुत ज़्यादा, तो हम पानी लग रहा वा और धूनी किसी ने लाई है पता नहीं किसी जिन जुन कढ़न लगे हुए है ना, हिंदी हाँ पत्ते साड़न लगे हुए, हाँ जी पानी लगे जाते हैं
चार दिन गंदमा भी मच्छर आई गया गंदम आई ले पानी नसीब करे हाँ जी हाँ जी हाँ जी पाक ने मेहनत नाला रंग लावे तो अल्लाह तला इजाफा दे जिमीदारा तो मेरे भैन भी किसी तकड़े की हो तो कोई गरीब भी खा लूगा किसान भाई है किसान भाई मेहनत करता हाँ हर अमीर दी हाँ जी गंदम जाती बिल्कुल अमीर के घर भी गरीब के घर गरीब के घर भाई किसान भाई की मेहनत वो पले पैनी चाहिए हाँ जी साग की मौसम भी हम गई साग भी खत्म हो चला सरसों के फुल पक दे नहीं बनना है मेरा अच्छा जी मैं अपने मम्मी घर पहुँच चुकी हूँ ए मेरी माँ का घर वा देखो अच्छा जी मैं मम्मी घर पहुँच चुकी हूँ तो माशाल्लाह बोर भी होना शुरू हो गया वा बेटा बोर करी जाता भाई बैठा वा फिर भैन भाई मेरे ना भाई आ मेरा तो अरलान बेटा भी आ गया अम्मी जी बैठे आ अम्मी जी सलाम अलैकुम हाँ जी तो दुआ भी कर देती हैं बस आमीन 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 अच्छा जी असं आए हैं तो अम्मी जी उन्होंने बिस्कुट तो चाय ले आंदी देखो माशाल्लाह अच्छा जी मैं अपनी अम्मी हुन के पहुंच चुकी हां जी अल्लाह अम्मी तंदुरुस्ती देवे अल्लाह रे मैया तंदुरुस्ती देवे अल्लाह ने हयाती करे अल्लाह सब बहुत आमीन आमीन अच्छा जी मेरे भैन भाइयो एक बेटी वाए बेटी ने मेरी अम्मी हुन वास्ते भी भेजी सी ते ओ हुन जेड़ा गिफ्ट भेजा सी ओ लग रिया वा ते ओ जेड़ा पूरा गिफ्ट जेड़ा और सलाना अपने मोबाइल ते शेयर करूंगा ते मैं अम्मी हुन घर पहुंच चुकी हां ते जेड़े हुन काम गांगा नाल नाल सीन छला करदे हां तुसी अपने भैन भाइयो कुंजियां अम्मी हुणा कोल मैं होके तो वापस आ गई हाँ ए टोकरी जिहड़ी ना ये टोकरी लैंदी मैं ये भी रोटी बना रखण वास्ते ये देखो माशाल्लाह नीचे भी ये लगा हुआ है देखो इदा भी है ना थले नीचे भी जिस तरह टोकरी इतने थले नीचे रख के देखो ये देखो इस तरह ना भी रोटी जी रखण वास्ते ना ये बनाई चंगी माड़ी सौ भी इंसान दे नाल चंगी नूं माड़ी पहले इंसान नाल तो भी रोटी वगैरह बच्चे फिर कट्ठी इदा कपड़ा रुमाल वड्डा बिछा के बच्चे फिर रोटी जी ना कट्ठी रख लैंदा यह टोकरी लिया बनवा के तो बहुत सोहनी बनी हुई है थले है ना ये भी स्टैंड लाया नीचे जिहड़ा उपर टोकरी नीचे नीचे स्टैंड देखो माशाल्लाह देखो ये बनवा के लिया तो हूँ आ गई मैं घर अच्छा जी अच्छा बेटी लगी हुई है चिप्स तल ए बेसन बेसन में डब्बे पाया हुआ माशाल्लाह तैयार कर रही है जल्दी जल्दी तो नाया फातमा बैठी है डब्बे लैके नवाया नहा के हटी नाया फातमा की मालिश की दानिश की मालिश मैं दानिश की मालिश करके हटी नाले उन्हें दौरा पै गया तो मोहम्मद दानिश हम सुता पाया झूले में तो नैशे बेटी जल्दी जल्दी चिप्स तैयार कर लेंदी है बेसन लाला तलन लगी है अच्छा जी अच्छा बेटी चिप्स तल लेंदी है तो असं लगे मूंगी की दाल बना कुछ थोड़ी जी देखती हैं जो होर बच्चे हुई तो फिर होर नाल मिक्स कर लाँगे तो थोड़ी दुकान तो लेवेंगे तो अज दाल बनाने नाल दाल तैयार कर लेने अच्छी तरह चुग लेनी चुग के तो फिर बनाने अच्छा जी दाल अच्छी तरह साफ करके तो ये मैं भिग के रख दी अच्छी तरह साफ कर ली तो हम लहसुन तो प्याज जल्दी जल्दी बना लेनी प्याज खत्म हो प्याज लैके नहीं जा दुकान तो जल्दी बना लेनी बना के तो फिर इंशाल्लाह खाना तैयार कर देना अच्छा जी अच्छा बेटी ने की पुस्ते दल दल के रखी जान ली देखो माशाल्लाह अच्छा जी लहसुन बरी बरी कट लिया वो तो हरे प्याज पाउन लगे तो प्याज खत्म हो सके हरे प्याज हम मिक्स कर लगे तो हम जल्दी जल्दी अच्छा बेटी ने पर खाना पकना रख दिता वो तो अच्छी तरह वॉश कर देंगे खाना बन गया मसाला गर्म हो गया मसाला फ्राई हो गया अच्छा बेटी जल्दी जल्दी दाल बना रही है हम अभी दाल बना लगे खाने के क्योंकि काफ़ी दिन हो गए नहीं बनाई हैगी तो मैं तो चलो अभी दाल फ्राई कर लें तो माशाला हम जल्दी जल्दी अच्छा बनाई जाती है हम बच्चे पानी मिक्स कर दें अच्छी तरह बनाई करके अच्छा जी हम बच्चे पानी मिक्स कर दें तो अच्छी तरह पक के तैयार हो जाती अच्छा जी खाना बन के तैयार हो रहा वा तो मरियम बेटी आई है देखो सब्जी बिचों धनिया कट्टन कट लिया हाँ जी धनिया कट रही है हम धनिया कट के लैके जाती है घर घर खाना सालन बन के तैयार हो चला सगा कहीं सी धनिया लैवा कट के थोड़ा जहा तो जल्दी खाने के मिक्स कर लाँगे क्योंकि धनिया के नाल माशाल्लाह खुशबू भी सोहनी सालन की आने लग पी है तो मज़ेदार भी बन जाता वा
ਤੇ ਮੰਮਾ ਦਾਨਿਸ਼ ਦੇਖੋ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਮਾਈਓ ਦਾਨਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਵਾ ਕੇ ਤੇ ਮਲਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਐਲ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਘਰ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੰਮਾ ਦਾਨਿਸ਼ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਚਲਾਓ ਚੱਲੀਏ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ, ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਭੱਜੋ ਜੀ, ਭੱਜੋ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਧਨੀਆ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਦਾਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿਆਰੀ ਦਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸੀਗੀ ਵੀ ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਦਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤਲੀ ਦਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਵਾ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਬਣਾਵੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਫਰਮਾਨਬਰਦਾਰ ਬਣਾਵੇ, ਤਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੇ, ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ ਆਮੀਨ। ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੀ, ਆਪਣੇ ਦੁਆਵਾਂ ਸਨਬੋਏ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲਾ ਤਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀਲਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਔਲਾਦ ਵਾਲਾ ਤਲਾ ਨੇਕ ਔਰ ਸਾਲੀ ਔਲਾਦ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਵਾਲਾ ਤਲਾ ਨੂੰ ਕਾਬਲੇ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਕਾਰ ਵਾਲਾ ਤਲਾ ਬੈਠਣ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇਵੇ, ਤੇਰਾ ਤਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕੇ ਹਲਾਲ ਦੇਵੇ, ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ ਆਮੀਨ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਯੂਟਿਊਬ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੰਦੀ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ ਆਮੀਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।